हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं, हमारा आज का एपिसोड है बाप एपिसोड 1। तो भाई लोग आज आपको देखने को मिलेगा हमारी एक तूफानी वाली राइड। हम यहाँ से जाने वाले हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हम जाएंगे अनदर सिटी में, और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे भावनगर। तो हमारा एपिसोड का नाम है बाप BAA, मतलब कि भावनगर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेके आनंद और आनंद से लेके फिर से हम आ जाएंगे भावनगर पे। टोटल अराउंड किलोमीटर होंगे, 600 किलोमीटर की राइड होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। आगे तूफानी तूफानी वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहो। हम सीधे आपको मिलते हैं हाईवे पे। गाइस, तो फाइनली इज हियर आवर हाईवे। डरा दिया यहाँ से, हल्का सा मैं यहाँ पे डर गया। और हम हमारे RC 390 में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन जैसा करने वाले हैं। जो यहाँ पे ये बड़ा पार्ट आप देख रहे हो ना, यार इतना बड़ा है, यहाँ पे देख रहे हो, इसको छोटा करेंगे क्या कुछ आता है, टेल डी ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो हम यहाँ पे डलवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये नंबर प्लेट है, यहाँ चली जाएंगी। और यहाँ से जो इसका लुक है ना भाई लोग, एकदम तगड़ा आने वाला है। और दूसरी चीज़ है, और हम हाईवे पे या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि RC क्रैश होने का डर रहता है। ठीक है, इसका वेट भी ज़्यादा है और कुछ भी हो सकता है, क्रैश हो गया तो। इसलिए हम यहाँ पे डलवाने वाले फ्रेम स्लाइडर। और मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि जो बड़ा वाला आता है ना फ्रेम स्लाइडर, यहाँ से कुछ ऐसा है कि यहाँ से ऐसा भी कुछ है, ऑल बॉल यहाँ से कुछ कर देंगे और सीधा पाइप निकल जाएगा सामने, तो यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर डल जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा। आराम से अगर क्रैश हुई तो भी स्लोली करके उसको नीचे डाल दो। एक और चीज़ करनी है, इसका जो आप वाइजर देख रहे हो ब्लैक है ना, तो यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे कुछ ब्रेक ब्रेक वगैरह करेंगे कि इसकी जो लुक है ना एकदम से चेंज हो जाए। यहाँ से कुछ करेंगे और यहाँ से कुछ ये वाला पार्ट भी, हम यहाँ पे कुछ ब्रेक लगाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें गोल्ड अच्छा लगेगा या फिर हमारा इसमें ऑरेंज हम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑरेंज के साथ मैच हो जाता है। ब्लू तो इसमें दिखता नहीं है, बट ऑरेंज वाला जो पार्ट है भाई लोग बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऑरेंज वाला ही कुछ रैप करा दूँ। बाकी आप कमेंट करके बताओ गोल्ड अच्छा लगेगा या फिर ऑरेंज। ये रहा हाईवे, और ये रहा आपका भाई ने मोटर व्लॉगिंग का सेटअप पहन लिया, और ये रही हमारी RC 390। यहाँ पे सीधा सा हाईवे, आप रेस लगाते लगाते ऐसे ऐसे कुछ जाएंगे, आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है ना। तो अभी यहाँ पे एंजॉय करो फुल पावर रेस। वो आपका भाई अभी यहाँ पे लगाएगा भैया।
भाई वाली फुल स्पीड पे की थी राइड भाई लोग, तो अभी भी हमारे पास वो राइडिंग जैकेट थी ना, मैंने ली थी वो नहीं अभी पहनी थी, अदरवाइज तो भाई लोग हम फुल टॉप एंड मार देते हैं इस बार को भाई लोग पक्का। सब कुछ इसमें कुछ ना कुछ डालेंगे, फ्रंट साइडर टेल डीडी आगे का रैप करेंगे, अदरवाइज जो रैप का काम है वो भावनगर में करेंगे। बट दो चीज़ तो पक्का डालनी है, तीन चीज़ें डालनी है, मोबाइल माउंट जो यहाँ पे होता है ना, मोबाइल होल्डर होता है जो, वो डालना है, फ्रंट साइडर और यहाँ पे टेल डीडी इसको छोटा सा करना है, एकदम लोग इसका बवाल मचाने वाला करना है। हर बार हम आते हैं अहमदाबाद में ये सब कुछ करने के लिए, बट भाई लोग क्या होता है कि राइडिंग के मजे में सब कुछ रह जाता है, टाइम ही नहीं मिलता और दूसरे दिन हम निकल जाते हैं। आज फुल पावर ट्राई करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लग जाए। और मानसून की सीजन स्टार्ट हो गई और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा मौसम बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ से चलते हैं फटाफट और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वेट करो नेक्स्ट फुल पावर व्लॉग का, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गो बाय।